थी, लेकिन इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद खिलाफ लड़ेंगे कांग्रेस के और साथ ही साथ बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल, जो एक साथ इससे पहले हमेशा एक साथ नजर आए, लेकिन इस बार वो भी अलग अलग है। तो पंजाब में भी दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो अब नई संरचना हुई है, चुनावी संरचना, जो नई चुनावी संरचना है, इसके साथ ही साथ जो गणित है, जो जातीय गणित है, वो सब इस बार खुलकर सामने आएगा कि क्या कुछ कहता है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में देखा गया है कि फ्लिप ऑन फ्लिप होता है, मतलब एक दफा कांग्रेस, एक दफा बीजेपी। तो इस बार यहां का भी चुनावी जो संघर्ष है वो देखने लायक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही महीने हुए हैं गद्दी संभाले हुए, तो क्या टीम को लीड कर पाएंगे, बीजेपी उत्तराखंड को लीड कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण होगा, देखना अहम होगा। मणिपुर 60 सीटें बीजेपी 29, कांग्रेस 28 और अदर्स को मिली थी 3, 2017 चुनावी नतीजे। तो मणिपुर में कांटे की टक्कर एक बार फिर क्या देखने को मिलेगी, यह भी अहम रहेगा। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ जल्द ही मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी ने जो जो बातें कही, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कही। उन्होंने कहा कि चुनाव कराना जिम्मेदारी है, लेकिन मतदाता और जो वहां पर कर्मी है, जो चुनाव कर्मी है, उनके स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी उनकी है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि चुनाव कर्मी जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर रहेंगे, जो इलेक्शन ड्यूटी पर रहेंगे, ऑन इलेक्शन ड्यूटी होंगे, वो इस बार फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका में रहेंगे। फ्रंटलाइन वॉरियर्स का इनकी भूमिका इनको सौंपी गई है इस बार। तो चुनावी मतदान तारीखें आ चुकी हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही साथ एक और चीज आपको बता दें कि किसी भी तरह की पदयात्रा, किसी भी तरह का रोड शो, किसी भी तरह की चुनावी जनसभा और साथ ही साथ नुक्कड़ बहस पर भी पाबंदी लगा दी जा चुकी है 15 जनवरी तक के लिए। और 15 जनवरी के बाद एक असेसमेंट होगी, एक मीटिंग होगी 15 जनवरी को, जिसके बाद आगे क्या कुछ प्रोसीड करना है उसको लेकर तारीखों का ऐलान होगा। ऐसे में हमारे सहयोगी, हमारे साथ तिलक चावला जी और सुभाष गौड़ और मनोवर चौहान, तीनों हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगीगण। तो सबसे पहले मैं तिलक चावला जी आप पर ही आना चाहूंगा, यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज ऐलान हो गया है तारीखों का, उत्तराखंड बिल्कुल क्या कहता है, चूंकि आप उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्या कह रहा है सर? बिल्कुल कावेंद्र, अगर अगर उत्तराखंड के साथ साथ उन तमाम राज्यों का जिक्र करें जहां पर चुनावी बिगुल अब बज चुका है, जिस बात का इंतजार तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ तमाम देश के उन पांच राज्यों की आवाम को था कि आखिरकार कब चुनाव होंगे, कैसे चुनाव होंगे और किस तरह से इस चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा, वो भी तब जब कोरोना पीक पर आने वाला है और चुनाव आयोग की क्या भूमिका रहेगी। और चुनाव आयोग ने जो रोड मैप तैयार किया था, उस रोड मैप के आधार पर चुनाव आयोग ने बताया कि आखिरकार किस तरह से तो है इस चुनाव को हम संपन्न करवाएंगे। अगर उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो 14 फरवरी की तारीख तो है वो निर्धारित की गई है, जहां पर 70-70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और 10 मार्च को जो है वो मतगणना होगी, यानी कि ये पता चल जाएगा कि उत्तराखंड के सरजमीन पर कौन राज करने वाला है और किसका जो राज कायम होगा, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कुछ नया समीकरण। बिल्कुल, और तिलक जी एक और एक और चीज देखी जा रही थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार चरणों की संख्या बढ़ सकती है, उत्तराखंड में भी बढ़ सकती है, ऐसा कयास था, तो चरणों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, एक ही चरण में मतदान होने इस बार भी। बिल्कुल कावेंद्र, इतिहास भी यही है उत्तराखंड का कि एक ही चरणों में ही चुनाव होता है और एक ही चरण में ही चुनाव को संपन्न करवा लिया जाता है, क्योंकि ये शांतिपूर्ण राज्यों में से एक राज्य है उत्तराखंड, जहां पर दिक्कत सिर्फ अगर होती है तो चुनाव आयोग को उन पोलिंग बूथ पर पोलिंग करवाने की होती है जहां पर बर्फबारी होती है या फिर सर्दी का सितम होता है। लेकिन यहां पर भी पिछले बार की तरह इस बार भी तो जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो या 2017, एक ही चरण में चुनाव हुए हैं और इस बार भी वही परिपाटी दोहराई गई है कि एक ही चरण में चुनाव करवाया जाएगा। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव होगा और 14 फरवरी को जो है ये वोटिंग होगी और फिर मतगणना जो है वही तय की गई है 10 तारीख को। यूपी में 14 फरवरी का दूसरे चरण का चुनाव होगा, जिस वक्त जो है चुनाव का उत्तराखंड में चुनाव वोटिंग होगी। ये जो फिसला की जो रूपरेखा तैयार की है वो काफी महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग ने, कि कोरोना काल है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है जिस तरह की जो दिक्कतें, जो दुश्वारियां थी कि कोरोना काल में किस तरह की गाइडलाइंस के साथ ये चुनाव संपन्न करवाया जाएगा,
क्योंकि 10 मार्च को यह तय हो जाएगा कि पांचों के पांचों राज्यों में किसकी जो है सरकार बनने जा रही है। और इसको लेकर जो है चाहे हम पंजाब का जिक्र करें, चाहे हम जिक्र गोवा का करें, या फिर इसके साथ साथ मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में यह तय था कि 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि वहां के हालात को देखते हुए 27 फरवरी और 3 मार्च की यह तारीख निर्धारित की गई है कि जहां पर चुनाव करवाए जाएंगे। तो 10 मार्च को स्थिति साफ हो जाएगी और 5 राज्यों में चुनाव जो है वो किस तरह से संपन्न करवाए जाएंगे, पूरी की पूरी रूपरेखा जो है वो चुनाव आयोग में। और पहला चरण जो है वो शुरुआत 10 फरवरी से होगी और 10 फरवरी के बाद 7 मार्च को जाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो संपन्न होगा। लेकिन उत्तराखंड में किस तरह की जो गाइडलाइंस है उसको लेकर भी स्थिति साफ कर दी है चुनाव आयोग। बिल्कुल। और एक और चीज एक अहम इस बार कही गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह की जनसभा, रोड शो, रैली कुछ भी नहीं कर सकते। कितना प्रभावित करेंगे ये चुनावों को, क्योंकि माहौल तो इसी वक्त बनता है तिलक जी। बिल्कुल कामेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया यहाँ पे और ये सवाल हर किसी के जहन में था। चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान तो कर दिया लेकिन हाथ पैर बांध दिए राजनीतिक दलों के साथ साथ मीडिया के भी। और यहाँ पर जिस तरह का जो खास तौर पर कहा जा रहा था कि वर्चुअली आप किस तरह से रैलियों को संबोधित करेंगे, उसके लिए क्या तैयारी है आपके पास, कैसे प्लान है ए बी और सी, अगर ये स्थिति नौबत आती है तो वर्चुअली रैली अगर राजनीतिक दल करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि इसी वक्त जो है वो माहौल बनाने के लिए राजनीतिक दल पूरी ताकत को झोंक देते हैं। अब स्थिति यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि आपको वर्चुअली लोगों के पास जाना है और जिस राजनीतिक दल के पास वर्चुअली लोगों तक जोड़ने की ताकत होगी वो यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई देगा। जो चिंता सीधे तौर पर दूसरे राजनीतिक दलों की थी कि बीजेपी जो है यहाँ पर मजबूत है और बीजेपी चाहेगी कि हम वर्चुअली जो है रैलियां करेंगे तो हम मजबूत यहाँ पर बीजेपी हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए या फिर दूसरे जो तमाम जहां पर दूसरे जैसे मैं उत्तराखंड के संदर्भ में ही बात करूं, यहाँ पर भी बीजेपी मजबूत है और वर्चुअली जो है अगर वो रैलियां करती है तो वहां पर मजबूत दिखाई देती है और यहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अपने आप को मजबूत करती है, स्थिति में भी उसके पास अगर प्लान है तो वो प्लान यही है कि वर्चुअली हम जाएंगे, हम तैयार हैं, दूसरे राजनीतिक दल तैयार है क्या, तो ये भी तमाम बातों सामने आई। लेकिन 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव करवाने के बाद उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी को पहले चरण का नामांकन किया जाएगा, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा उत्तर प्रदेश में, तो उस संदर्भ में अब देखना दिलचस्प होगा कि इसी दरमियान अगर चुनावी वर्चुअल रैली करवाई जाती है तो यहाँ पर जो राजनीतिक दल अपने आप में मजबूत होगा उसके लिए फायदा का मुफीद होगा कि भैया देखिए हम तो लोगों के बीच में जी। बिल्कुल तिलक जी, आप पर वापस लौटते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ सुभाष गौड़ भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, ठीक है, सुभाष जी नहीं हमारे साथ, मनव्वर चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। मनव्वर, पिछली दफा हमने देखा था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और चुनाव आयोग कहते कहते थक गया कि रैलियां कम कीजिए, और उसके बाद रैलियों के बाद हमने देखा कि किस तरीके का कोरोना विस्फोट हुआ। आज से पहले की अगर बात करूं तो ये कयास लगाए जा रहे थे, ये बातें हो रही थी कि रैलियों में एक लिमिट निर्धारित कर दी जाएगी कि 500 लोग ही आ सकते हैं, कोविड नियमों का पालन करिएगा तभी हो सकता है। लेकिन इस बार एक सख्त फैसला लिया गया है कि 15 जनवरी तक कोई छूट नहीं है, किसी तरीके की रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं, कुछ भी, और 15 जनवरी के बाद भी असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही आगे क्या कुछ रहेगा उसको बताया जाएगा। तो ये कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि स्थानीय नेता तो इसी वक्त माहौल बनाने में जुटते हैं, इसी वक्त तैयारियों में जुटते हैं, और अब ऐसे में कहा गया है कि कोई कुछ नहीं, हाथ पैर बांध दिए गए जैसा तिलक जी कह रहे हैं। देखिए कावेंद्र, जाहिर तौर पर जो नेता है 5 साल इसी चीज का इंतजार करते हैं कि वो किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन कोविड-19 के चलते चुनाव आयोग ने न केवल नेताओं को बांधा है बल्कि उनकी जो इच्छा थी उसको भी बांध दिया है। हालांकि कुछ जो प्रतिनिधि थे, जो नेता थे, वो काफी समय से अपने क्षेत्र में बने हुए थे, लेकिन इस बार ये देखा जाएगा जिसके पास मैन पावर होगी, टेक्निकल सपोर्ट होगी, वो ही जा सकता है। केवल 5 लोग डोर टू डोर अपना कैंपेन कर सकते हैं, इसके अलावा वर्चुअल तैयारी कर सकते हैं, वर्चुअल लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे तिलक जी कह रहे थे, एक मोबाइल जरूरी होना चाहिए, इसके अलावा इंटरनेट होना चाहिए, तभी लोगों तक पहुंचा जाएगा।
लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जाता है जिसके पास मोबाइल इंटरनेट होता है वो वर्चुअल नहीं जुड़ेगा, वो अपनी चीजों में लग जाता है। जो साइलेंट वोटर है या देहात का वोटर है वहां तक पहुंचना इस वक्त है जाहिर तौर पर जो राजनीतिक पार्टी है उनके लिए बहुत लोहे के चने चबाना जैसा होगा, क्योंकि रैली में तो शराब के नाम पर पैसों के नाम पर लोगों को बुला लिया जाता है, लेकिन वर्चुअल जोड़ने के लिए एक एक बंदे को एक एक व्यक्ति को बताने के लिए कि कैसे जोड़ा जाएगा और कैसे सुना जाएगा अपने नेता को, वो बहुत कठिन होगा। आपने बंगाल चुनाव की बात की, बंगाल चुनाव में चीफ इलेक्शन कमीशन लगातार कहता रहा लेकिन वहां कोई नहीं माना और जाहिर तौर पर विस्फोट हुआ। उस दौर में यूपी में भी चुनाव चल रहे थे, पंचायत चुनाव थे और यहाँ पे काफी लोगों की जान जो जान की हताहत हुई, लेकिन इस बार भी परिस्थिति उसी प्रकार है काविंद्र। अगर लोग नहीं संभलेंगे तो शायद अगले बार भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता और अपने जो कदम है फूक फूक कर रख रहा है, साफ कर दिया है किसी भी प्रकार की शराब की पैसे की या फिर COVID-19 के रूल्स का उल्लंघन किया तो जाहिर तौर पर उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और एक्शन तुरंत लिया जाएगा, मतलब अचानक नहीं, ऐसा नहीं है रुकेंगे अगली बार लेंगे या फिर कोर्ट कचहरी बुलाएंगे 2-4 साल बाद जब सरकारें बन जाती है, ऐसा नहीं होगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने की बात कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मनोहर अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम तो उत्तर प्रदेश में पिछली दफा भी चरणों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पिछली दफा जितने चरण थे उतने ही फेजेस इस बार भी हैं, फेजेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो ऐसे में क्या चुनौतियां रहने वाली हैं इस बार, चुनौतियां क्या रहेंगी, क्योंकि इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि कोविड की काल से हम गुजर रहे हैं, ये थर्ड वेव है जिसका हम सामना भी कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ चुनौतियां भी रहेंगी हमारे सामने। देखिए जाहिर तौर से चुनौतियां तो यही है कि COVID-19 चल रहा है उसमें चुनाव संपन्न होना है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त दो ही पार्टी बची है, एक तो गठबंधन मान लीजिए, दूसरा भाजपा मान लीजिए। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के एंगल से समझना चाह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या चुनौतियां रहने वाली है, जाहिर तौर पर जब जो इनके नेता है जो प्रत्याशी है वो लोगों तक नहीं पहुंचेंगे और जो पोलिंग बूथ है वहां पर भी काफी कड़ाई की जाएगी, तो ऐसे में जो वोट डालने का समय होगा COVID-19 का भी ख्याल रखना है, ऐसे में लोगों के जहन में डर भी होगा, हो सकता है लोग वोटिंग परसेंटेज वो ना हो जो पूर्व में होता रहा, क्योंकि इस बार पैनिक तो फैलेगा नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने सख्ती इतनी की है कि लोग हो सकता है डर के मारे घरों से ना निकले, हालांकि पार्टी जो चाहती है वो चाहती है कि परसेंटेज बढ़े और वोट जो है काफी डले, लेकिन इस बार COVID-19 है और चुनाव आयोग की सख्ती है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को पोलिंग बूथ तक लोगों को पहुंचाने के लिए काफी दिक्कतें आ सकती हैं। 5 लोगों की अभी व्यवस्था की गई है, 5-5 लोगों को ही जाना होगा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है भविष्य में भी, क्योंकि COVID-19 बढ़ेगा। तो पहले होता क्या था, दूर दराज से भी लोगों को गाड़ियों में इकट्ठा करके मंगा लेते थे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि COVID-19 अगर होगा तो सोशल डिस्टेंस का खास तौर से ख्याल रखना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते रखते काफी समय निकल जाता है। चुनाव आयोग भी एक समय सीमा होती है वोटिंग परसेंटेज कराने की, हालांकि बढ़ाया गया है समय, कुछ बढ़ाया गया है, लेकिन काफी समस्या इसलिए आने वाली है कि COVID-19 का पालन कराना और नेताओं को अपनी वोट परसेंटेज बढ़ाना, अपने विधानसभा से लोगों को पहुंचाना पोलिंग बूथ तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आगे भविष्य में क्या रणनीति चुनाव आयोग की आएंगी ये भी देखना होगा, हो सकता कुछ रिलीफ नेताओं को मिल जाए, पार्टियों को मिल जाए। देहरादून से हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ भी हमारे साथ है। सुभाष जी, उत्तराखंड 14 फरवरी को चुनाव होना है, वैलेंटाइंस डे वाले दिन, ऐसे में ये बताइएगा, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं कि अब रैलियों पर, जनसभा पर, नुक्कड़ सभा पर, साइकिल रैली पर 15 जनवरी तक के लिए रोक है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा आगे क्या होगा, तो ऐसे में वर्चुअल कहा गया है कि वर्चुअल प्रचार करिए आप, वर्चुअल माध्यम से रैली करिए आप, लेकिन बीते क्या 6-7 सालों की बात करूं तो क्या हमने और आपने नहीं देखा सुभाष जी कि दरअसल अब रैलियां, जनसभा, इनका माध्यम सिर्फ इतना रह गया कि शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, हर किसी की, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ दिखती ही दिखती है, हर किसी की रैली में भीड़ दिख जाएगी आपको, तो यह शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लगता है। अब वर्चुअल माध्यम से अगर करेंगे तो माइंडसेट कैसे बदलेंगे लोगों का कि हमने इतनी भीड़ बुलाई थी, उतनी भीड़ बुलाई थी। सुभाष जी, सुभाष जी आपका ऑडियो थोड़ा सा डिम आ रहा है, पीसीआर से अनुरोध करूंगा फिक्स करिएगा ऑडियो को। सुभाष जी आपका ऑडियो जो है वो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लमेटिक है, उसको फिक्स करिएगा जरा, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका। चलिए तब तक ये जो क्वेश्चन है इसको स्विच कर देते हैं मनोहर जी की तरफ। तो मनोहर जी, जो माइंडसेट था ना आम पब्लिक के बीच में ये दिखाना कि देखिए मेरी रैली में तो इतने लोग आते थे, ये दरअसल
रैलियां जो होती थी, ये आम आदमी जो उन रैलियों में नहीं जा रहा है, जो घर पर बैठा है, जो LIC एजेंट है, जो सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है, जब वो रात में घर जाता था, तब वो जब दरअसल टीवी पर देखता था कि फलाने नेता की रैली में इतनी भीड़ आई है, तो उस माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए रैलियों का ज्यादा किया जाता था। तो ऐसे में इस बार मनोहर, आपको नहीं लगता कि वो माइंडसेट बनाने में मुश्किल आएगी वर्चुअल रैली के अगर थ्रू करते हैं तो प्रचार? देखिए कावेंद्र, किसी भी बड़े नेता की रैली होती है तो मुझे लगता है 14 से 15 जिलों के लोगों को बुलाया जाता है। केवल इसलिए बुलाया जाता है कि भीड़ दिखे, टीवी पर विशाल एक रैली दिखे, जिससे लोग इंस्पायर हो, लोग का तो लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि हमारे साथ लोग हैं, आप हमें ही वोट कीजिएगा। और कुछ परसेंटेज ऐसा भी है वोटर्स का, वो चाहता है कि अपनी वोट गड्ढे में डाले, जिसके साथ पब्लिक है उसको दे दे, बढ़ा दे उसको। लेकिन उस बीच में एक दो चीज और होती थी कविंदर, इसमें शराब का और पैसे का भी खेल होता था। जो वोटर इंस्पायर होता था वो शराब और पैसे से भी होता था। लेकिन इस बार बड़ा अजीब कर दिया है, इस बार जो है लोग आ ही नहीं पाएंगे, शक्ति प्रदर्शन हो नहीं पाएगा, और पैसे और जो देते थे, शराब जो बांटते थे, बिरयानी जो खिलाते थे, मतलब अगर इन शॉर्ट कहें तो चुनावी जो मेला लगता है उसका मनोरंजन इस बार कम कर दिया गया है आम लोगों के। चुनावी तौर पर ऐसे कुछ वोटर भी होते हैं जो इस चीज का इंतजार करते हैं कि चुनाव आएंगे, वो बिरयानी खाएंगे, शराब पिएंगे, पैसा मिलेगा, और वो लोग जाएंगे, पूरा पूरा दिन लगा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। चुनाव आयोग ने सख्ती से ये कहा है कि वर्चुअल बैठक कीजिए, वर्चुअल रैली कीजिए, और डोर टू डोर केवल 5 लोग जा सकते हैं, उसमें भी निगरानी की जाएगी, कहीं शराब और पैसे का तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जो एंटरटेनमेंट होता था चुनाव में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैन इस वक्त कर दिया गया है, और लोगों में कहीं ना कहीं ये जहन में होगा कि यार इस बार हुआ क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिवाली पर पटाखों का बैन करना और चुनावों में रैलियों को बैन करना। बिल्कुल मनोहर, सुभाष जी के पास दोबारा चलते हैं, ऑडियो फिक्स हो गया होगा सुभाष जी का। सुभाष जी, कहा गया है कि जो भी इलेक्शन ड्यूटी पर रहेगा वो पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ओके, लेकिन दूसरी बात कही गई है कि सबको दोनों कोविड की डोज लगी हुई होनी चाहिए, ये हो पाएगा? कहा जा सकता है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वैक्सीनेशन हुआ है, और ये देश का पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बना था जिसमें वैक्सीनेशन की जो फर्स्ट डोज थी वो सबसे पहले पूरे प्रदेश को लगाई गई थी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि चुनाव नजदीक है, और क्योंकि तिथियों की भी घोषणा हो गई है, तो बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से वर्चुअल रैलियों की बात कही जा रही है कि वर्चुअल तरीके से आप लोग अपना प्रचार कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी और पहाड़ के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, उन दूर दराज के क्षेत्र और उन लोगों से समन्वय बनाने में कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दूर दराज के जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो उन क्षेत्रों में नेटवर्क की व्यवस्था होती है और ना ही उन गाँव में इंटरनेट या फिर उन लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल होते हैं ताकि वो अपने नेता को सुन सकें। तो कहा जा सकता है कि वर्चुअल तरीके से तो बेहतर जो प्रचार प्रसार है वो कोई भी राजनीति दल उत्तराखंड में करता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि डोर टू डोर 5 लोगों के साथ प्रचार जरूर सभी लोग करते हुए नजर आएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि सभी राजनीति दल, सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं डोर टू डोर करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन खामियाजा इस बार चुनाव आयोग की तरफ से और उत्तराखंड के जो नेता हैं या फिर जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उनको इंटरनेट, स्मार्ट मोबाइल और खासतौर से उन दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और प्रचार प्रसार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि चुनाव आयोग से पहले ही राज्य सरकार ने भी ये साफ कर दिया था कि आखिरकार जो 15 जनवरी तक है कोई भी रैली, धरना, प्रदर्शन और चुनाव रैलियां कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेगा, उसको कोविड प्रोटोकॉल के तहत राज्य सरकार ने कल शाम को ही जारी कर दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी उम्मीदवार प्रचार प्रसार के लिए सड़कों पर नजर नहीं आना चाहिए, वर्चुअल तरीके से वो अपनी रैलियां कर सकते हैं, वर्चुअल तरीके से वो लोगों से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं और वोट मांगने की प्रयास भी वर्चुअल तरीके से वो करें। हालांकि राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये वो बेल्ट हैं जिन क्षेत्रों में वर्चुअल तरीके से वोट मांगा जा सकता है, वर्चुअल तरीके से रैलियां की जा सकती है, वर्चुअल तरीके से लोगों से जुड़ा जा सकता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र, चाहे चमोली जनपद हो, अगर गढ़वाल मंडल में बात की जाए, तो सबसे दूर दराज का जो जनपद है
वो चमोली जनपद है, उसमें माणा क्षेत्र भी आता है, उसमें थराली विधानसभा के क्षेत्र भी आते हैं, उसमें गैरसैंण भी आता है, तो कहा जा सकता है इन क्षेत्रों में वर्चुअल तरीके से लोगों से कनेक्ट होने के लिए काफी दिक्कतों का सामना सभी उम्मीदवारों को करना पड़ सकता है। साथ ही रुद्र, लेकिन यकीनन सुभाष जी ये भी ठीक फैसला रहेगा, क्योंकि कल तक जब हम बात कर रहे थे, हम डिस्कशन करते थे, तो ये चीज थी कि एक लिमिट निर्धारित कर दी जाएगी कि रैली में 500 लोग आ सकते हैं, 700 लोग आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं। लेकिन ये बात हम लोग आपस में जब डिस्कस करते थे तो पता लगता था कि बेमानी है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से धज्जियां उड़ती देखी हमने इससे पहले भी, इलेक्शन कमीशन कहता कुछ था, जमीन पर कुछ दिखता था, इससे पहले आप हर चुनाव उठा लीजिए, एक लिमिट सेट की जाती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पैसों का किस तरीके से उड़ाया जाता है नोट, तो उतनी चीजें जो है वो जमीन पर प्रैक्टिकल रूप से नहीं दिखती है जितनी कही जाती है। एक और सवाल रहेगा मेरा सुभाष जी कि इस बार कहा गया है कि एक बूथ पर 1000 से कम वोटर नजर आएगा, 1000 से मतलब कम लोग ही मतदान कर सकते हैं एक बूथ पर, तो ऐसे में ये कितना प्रभावित करता है, ये मनोवर जी से भी सवाल रहेगा मेरा और आपसे भी है, पहले आप जवाब दीजिएगा सुभाष जी, ये कितना प्रभावित करेगा, क्योंकि एक बूथ है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर बूथ पर जाते हैं, तो पहले से माहौल सेट होता है कि इस बूथ का ये वोटर है, इसको हमें अपने काबू में करना है, हर कैंडिडेट यही करता है पहले से, लेकिन अब जब 1000 से कम की संख्या है तो जो और अधिक संख्या वाले लोग हैं वो जाहिर सी बात है किसी और बूथ पे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है बूथ में 1000 लोग पहुंचेंगे, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं वोट जरूर देगा, ये जरूर है कि पहले एक बूथ में अधिक लोग वोट देते थे, लेकिन अब ज्यादा ये कहा जा सकता है सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां मतदान करने लोग पहुंचेंगे, लेकिन कुल मिला के पहले देखा जाता था एक ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल पर ही वोटिंग सेंटर बनाया जाता था, लेकिन उस विधानसभा या कहा जाता था उस ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2 से 3 ऐसे सरकारी अस्पताल भी होते हैं और स्कूल भी होते हैं जहाँ वोटिंग नहीं कराई जाती, तो इस बार कोशिश की जाएगी कि उनको भी इस्तेमाल में लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराई जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की कि आखिरकार जो दूर दराज का क्षेत्र का व्यक्ति है वो भी वोट देने पहुंचे, उसका भी मतदान का प्रयोग वो अपने पूरे तरीके से करे, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मतदाताओं की संख्या एक पोलिंग बूथ पर 1000 के करीबन जरूर की गई है, लेकिन जो मतदाता सेंटर्स हैं उनको जरूर इस बार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में जो समस्या है वो दूसरी है। उत्तराखंड की जो समस्या है कि जब उन क्षेत्रों में बरसात होती है, बर्फबारी होती है, तो जो सेंटर्स बनाए जाते हैं उन सेंटर्स तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, 1000 लोग तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद पर, मुश्किल से 100 से 50 लोग भी एक बूथ पर आपको एक समय पे नजर नहीं आते हैं चुनाव के समय में, क्योंकि पहाड़ों में जो वोट बैंक की संख्या है वो भी बहुत कम होती है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि उन बूथों तक पहुंचने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, चाहे वो बरसात से परेशान होते हैं चाहे बर्फबारी से उनको परेशानी होती हो, तो ये कुल मिलाकर उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग के पास बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उन बूथों तक जो पहाड़ के दूर दराज के लोग हैं उनको किस तरीके से पहुंचाया जाए, उनकी वोटिंग किस तरीके से कराया जाए और मतदाताओं को किस तरीके से वोट के लिए प्रसारित किया जाए कि किस तरीके से वोट देने बूथ पर जरूर आए, चाहे मौसम कैसा भी हो चाहे रास्ते कैसे भी हो, तो ये बड़ी समस्या उत्तराखंड में देखने को मिलती है। मनोहर जी के पास चलेंगे, लेकिन सुभाष जी एक सवाल आपसे और रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा, आपने जिस तरीके से समस्याओं का जिक्र किया, तो इस बार सुशील चंद्रा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, कोरोना प्रभावितों के लिए, 80 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए, एक तो व्यवस्थाओं की बात की है कि व्यवस्थाएं उनके लिए ठीक की जाएंगी, अच्छी की जाएंगी, और दूसरी चीज कि वो वैलेट के जरिए भी वोट कर सकते हैं, पोस्टल वैलेट के जरिए भी। जी बिल्कुल, पोस्टल वैलेट बहुत अधिक संख्या में उत्तराखंड में प्रभावित करता है, क्योंकि पोस्टल वैलेट ना, क्योंकि उत्तराखंड एक सैन्य प्रदेश है, तो सैनिकों के जो पोस्टल वैलेट है वो भी बहुत अधिक संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड में विधानसभा में पोस्टल वैलेट ही रखते हैं, और क्योंकि इस बार कहा गया है कि महिलाओं के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बड़ी चीज ये है कि कुछ देर बाद उत्तराखंड में भी जो निर्वाचन आयोग है उत्तराखंड, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें किस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, उसमें कितनी पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, किस तरीके से बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और किन किन लोगों को वो सुविधा दी जा सकती है, और किन किन जनपदों में वो सुविधा दी जाएगी, इस पर भी विस्तृत रूप से वो जानकारी देंगे, लेकिन अभी ये जरूर साफ है कि महिलाओं को, बुजुर्ग व्यक्तियों को जो कि 80 साल से ऊपर के हैं, उन सभी लोगों को पोस्टल वैलेट के जरिए अपने मतदान करने का मौका मिलेगा। एक अच्छी पहल है कि निर्वाचन आयोग की, इन लोगों को भी जो मतदान करने के लिए सेंटर्स में नहीं पहुंच पाते, इससे ज्यादा लोग जो है अपने घर में इनकरेज भी होंगे, इनकरेज भी होंगे टू वोट। हाँ, तो मनोवर साहब हमारे साथ और है, मनोवर जी आप इस चीज को बेहतर समझते होंगे कि
उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण अंचल हैं, जो कि मैंने कहा था, ठीक है, मनोहर जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही है, मनोहर जी आपको आवाज आ रही है? करूं, करो। चलिए ठीक है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई, माफ कीजिएगा मनोहर जी, आपकी आवाज नहीं आ पाई आखिरी समय में। तो आज हम ये बता रहे थे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने एक पीसी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी आए, उन्होंने जानकारी दी कि 5 राज्य पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किस कदर चुनाव होंगे, किस तरीके से होंगे, किस